हाँ तो दोस्तों देखिए, अभी मैंने बुक मंगाई है, ठीक ना। देखिए शोरगुल होगा, थोड़ी गाड़ी की आवाज़ आएगी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन चलिए नॉलेज दूंगा बुक के। तो ये देखिए ब्लेड, मैं इसको फाड़ लेता हूँ सबसे पहले, ठीक। अभी अभी मैंने बुक मंगाई है, देख लीजिए, रिमाइंडर की बुक है साइंस की, ठीक, यानी कि विज्ञान की। ये आपको कंपटीशन एग्जाम जितने भी हैं सारे के सारे, UPSC, JPSC, MPSC, किसी भी PCS, ठीक ना, और से लेकर रेलवे के से लेकर एकदम कांस्टेबल, चपरासी, सारा कुछ, जिसमें भी साइंस पूछा जाता है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, BSF, CISF, ठीक ना, जितने भी एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, सारे के सारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करेगा, ठीक ना। मैंने बहुत सारे बुक रिव्यू किए हैं, मतलब और बहुत सारे बुक भी देखे हैं, उसके बाद ही मैंने फाइनल पोजिशन किया कि आपको कौन से बुक लेने चाहिए, ठीक ना, क्योंकि कोई भी बुक को मैं यूं ही नहीं दिखा दूंगा कि इसे भी आप यूज कीजिए, ठीक ना। मैं बड़े ही मेहनत के साथ बुक को पहले देखता हूँ, उसे समझता हूँ कि उसमें विद्यार्थी को सस्ता किसमें पड़ेगा और उसके लिए क्या अच्छी बातें इस बुक में है, ठीक ना, क्यों खरीदना चाहिए ये बुक। पहले देखिए बुक की खासियत, देखिए मैं भी तैयारी कर रहा हूँ एग्जाम की, ठीक ना, इसलिए मैं आपकी प्रतिभा और आपके जो पास होने के चांसेस हैं उसके अनुसार देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक। तो देखिए बुक का नाम सबसे पहले, ऑल इंडिया प्रतियोगिता परीक्षा, भारत में जितने भी प्रतियोगिता कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए। रिमाइंडर बुक किसके? रिमाइंडर के, ठीक। सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस की बुक है, ठीक। अब देखिए जनरल साइंस दिया है विथ चैप्टर वाइज, जो है आपका क्या दिया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और प्रीवियस प्रश्न उत्तर यानी कि पिछले वर्षों के प्रश्न उत्तर जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं उनके सेट्स दिए हैं, ठीक। 40 सेट दिए हैं, आंसर एंड डिस्कस, आपको आंसर दिया जाएगा उसके साथ व्याख्या भी बताया जाएगा। यह बुक किसके है? द एम का, ठीक। द एम कंपनी कौन सी है? द एम, जिस प्रकार एरियंत की कंपनी होती है, दृष्टि की कंपनी होती है, ठीक ना, उसी प्रकार द एम का भी कंपनी है, जिस प्रकार लुसेंट कंपनी है उसी प्रकार द एम एक कंपनी है, ठीक। बुक को पब्लिश करने का कंपनी है, ठीक, पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसका मूल्य। तो सबसे पहले इसका बैक साइड आप पीछे साइड देख लीजिए, ठीक, यहाँ पे अब देखिए इसका मूल्य मैं दिखाता हूँ आपको। रिमाइंडर प्रतियोगिता परीक्षा, वैसे तो मैं बुक का रिव्यू करते रहता हूँ और आपको एडुकेशन से जुड़े सारा का सारा वीडियो देते रहता हूँ। देखिए संस्करण, इनका पहला संस्करण था मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी 2012 को, विजयदशमी यानी कि नवंबर महीने जो दुर्गा पूजा होता है 2013 को, नाग पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा 2015-16 में किए, फिर वसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा में, ठीक ना, 2017-18 में, और मकर संक्रांति 2019-20 का एडिशन है, ठीक, यानी कि न्यू एडिशन है। आपको जो भी एडिशन लेना है, इस बुक के प्राइस अब मैं बता दूं यानी कि दाम 260 रुपये है, लेकिन अगर आप इसे बुक स्टोर में खरीदने जाएंगे तो 180 रुपये या फिर 190 रुपये, और अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह वगैरह में साइट में, तो आपको 250 रुपये इसके मूल्य पड़ेंगे, ठीक। ये तो हो गए बुक के दाम, अब जानते हैं इसकी खासियत क्या है। तो विज्ञान की किताब है, साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, ठीक ना। अब देखिए खासियत, एक प्रयास, अगर आप एक प्रयास लगाएंगे तो उड़ के ऊंचाई को पहुंच सकते हैं, ठीक। पहले ही कथन में देखिए फिजिक्स सारा का सारा कंप्लीट होगा, पहले वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि किसी भी चीज को अधूरा देखिएगा तो कुछ ज्ञान नहीं ले पाइएगा, या तो नहीं देखिए या फिर पूरा देखिए, ठीक ना। देखिए भौतिकी, पहला है फिजिक्स, फिजिक्स के सारे चैप्टर दिए हुए हैं। मैंने दृष्टि की भी बुक काफी अच्छी लगी, लेकिन उतनी खासियत नहीं लगी जितने की इसमें लगी, ठीक ना। एरियंत के भी बुक देखा, लेकिन उतनी अच्छी नहीं लगी जितना कि इसमें लगा, ठीक ना, वरना मुझे मंगाने में क्या जाता और आपको बताने में क्या जाता। विषय सूची कंटेंट में देखिए, पहले क्या है, भौतिकी सारे के सारे चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक, एवरेज चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं, लेकिन अगर आप किसी और स्पेशल बुक करेंगे तो सारा का सारा नहीं मिलेगा, इतने सारे हो गए। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले कंटेंट दिखाऊंगा, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के सारे कंटेंट दिए हुए हैं, ठीक, उसके बाद चैप्टर वाइज वस्तुनिष्ठ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं, ठीक ना, सभी चैप्टर के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गई, अब देखिए बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के सारे चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं, आप आसानी से देख लीजिए, ठीक, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा है इन्होंने, ठीक। द एम की बुक है, वस्तुनिष्ठ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
क्वेश्चन दिए हैं, अभी अभी मैंने आपको मंगवाया, दिखा दी हूँ, फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, ठीक ना। पैकेजिंग देख लीजिए, सारा का सारा प्राइस वगैरह सारा आप ही के सामने है, कोई भी चोरी छिपे नहीं। अब देखिए यहाँ पे होगी जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर साइंस जो होता है, तो एग्रीकल्चरल साइंस, देखिए जीव कृषि विज्ञान का सारा चैप्टर दे दिया है। पशुपालन विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान एवं सौरमंडल, पर्यावरण एवं प्रदूषण, ठीक ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसके बाद कंप्यूटर विज्ञान, और विभिन्न परीक्षाओं में जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं साइंस से क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं। अब देखिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान पूछे गए प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे 40 सेट दिए हुए हैं, इसके बाद क्या दिए हैं, 40 सेट, यानी कि 40 आपको विभिन्न एग्जामों से पूछे गए प्रश्न दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जैसे आप पढ़ लें फिजिक्स, सभी का मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। फिजिक्स, फिजिक्स में क्या है आपको बता दिया गया है, पहला क्या चीज दिया है, ठीक, क्या पढ़ना है, ठीक, यानी कि भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं दिया गया है। तो चलिए थोड़ा सा कॉल आया, इसको रिसीव कर लेते हैं, ठीक ना, कट। अब देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि देखिए ये चीज हो गए, हाँ देखिए प्रमुख उपकरण, ये सारे चीज हो गए। अब देखिए जैसे यहाँ पे पढ़ लिए सारा का सारा, ठीक, तो आइए अब मैं बताता हूँ पीछे की ओर, यहाँ पे आ जाइए। हाँ देखिए ये सारा फिजिक्स यहाँ पे खत्म हो जाता है, इतने नंबर पे हमारे पेज नंबर 72 में फिजिक्स खत्म हो गया, ठीक। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे चैप्टर वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, यानी कि पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक, देख लिए यहाँ पे, और सारा का सारा यहाँ पे दिया गया, छोटा छोटा दिया गया ताकि आप बोर ना हो, ठीक। परमाणु संरचना का दिया गया है, देखिए ये पढ़ लीजिएगा इतना, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव। अब देखिए क्या करना है, जीव विज्ञान का हम देखते हैं, ठीक, केमिस्ट्री का हो गया। अब देखिए जीव विज्ञान में किस प्रकार है, इतना पढ़ लिए, ठीक, उसके बाद इतना आपका आ गया, सारा का सारा सार पढ़ लिए, ये सारा चीज पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक, जो कि बहुत ही अच्छा, हम इसीलिए इसको मांगते हैं क्योंकि यह इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दिया हुआ है, ठीक ना, आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ने को मिलता है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव सारा का सारा दे दिया इतना, और इस जो चैप्टर से है रिलेटेड सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक, एकदम स्पष्ट आपको दिख रहा होगा क्लियरली। अब आइए बात करते हैं सेट्स की, तो आपने तो ये सारी चीज देख ली, ठीक ना, अब हम सेट्स के देखते हैं, और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको एग्जाम की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। देखिए ये हो गया यहाँ पे विभिन्न एग्जामों से जुड़े डिस्कशन दिए हैं, यानी कि विवरण क्यों सही है कैसे सही। देखिए सेट हम 8 में डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो 7 सेट 8 में क्या बात किया गया है, ऑब्जेक्टिव दिए हैं सारा का सारा, एक सेट में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक, और यहाँ पे उत्तर दिया गया है। अब उत्तर में बताया गया है कि यह उत्तर क्यों है, ठीक ना, और उससे जुड़े कुछ विवरण भी दिए गए हैं, यानी कि आपको व्याख्या बताया गया है जिससे आपको याद हो जाए और याद करने में आसानी हो। तो यही इसकी बुक की जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दिए हैं, यही इस बुक की खासियत है। फिर से मैं बता दूं बुक की खासियत क्या है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ में दिए हैं ताकि विद्यार्थी को, स्टूडेंट को दोनों प्रकार की तैयारी करने में आसानी हो, जिसको सब्जेक्टिव पढ़ना है वो सब्जेक्टिव पढ़ ले, जिसको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है ऑब्जेक्टिव पढ़ ले, और जिसको दोनों पढ़ना है वो एक ही किताब दोनों पढ़ सकते हैं, काम खत्म, ठीक ना, और इसकी प्राइस भी कम है। लुसेंट की भी बुक पढ़िएगा आपको, तो यहाँ पे आपको उतनी बेहतर नहीं मिलेगी, ठीक। तो काफी बुक मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए इसलिए शेयर किया। अब आपको बुक अच्छा लगे वो आपकी मर्जी, ना लगे वो आपकी मर्जी, ठीक, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, दिस इज माई ड्यूटी, ठीक ना, एंड आपको अपना फैसला करना है कि कौन सा बुक लेना है कौन सा बुक नहीं। वैसे मैं बहुत सारे बुक को दिखाई दूंगा, ठीक ना, लेकिन जो मैं अच्छा बुक लगे एक स्टूडेंट के लिए, ठीक ना, कम समय में बुक की तैयारी कर पके आपके एग्जाम की। और मैं लास्ट में बता ही देता हूँ कि अगर आपको एग्जाम में तैयारी करना है तो सिगरेट की बात सुन लीजिए, अगर आपको एग्जाम की तैयारी करना है, एग्जाम में क्वालिफाई करना है, ठीक ना, तो आप केवल और केवल, सुनिए ध्यान से, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कीजिए, सब्जेक्टिव छोड़ दीजिए,
अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली रेलवे, ठीक ना, एसएससी वगैरह की छोटे छोटे एग्जाम जो ग्रेड 4 में आते हैं, ठीक ना, तो मैं फिर से बता दूं, आपको केवल ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, सब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्टिव लगाइए, बात को सुनिए, केवल ऑब्जेक्टिव बनाइए, सब्जेक्टिव को छोड़िए। सब्जेक्टिव बड़े बड़े एग्जाम के लिए होते हैं, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, ठीक ना, और सीजीएल वगैरह वगैरह के लिए होते हैं, जिसको मेंस देना होता है उनके लिए सब्जेक्टिव पढ़ना होता है। बात को समझिए, गंभीरता को समझिए, ठीक ना, केवल ऑब्जेक्टिव पढ़िए, क्योंकि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। अंडरस्टैंड, गॉट इट, समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, समझदार हैं, ठीक ना, इसलिए ऑब्जेक्टिव को बनाइए। जो लोग ऑब्जेक्टिव को केवल बनाते हैं, ठीक ना, उसे मालूम है कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ना कि सब्जेक्टिव। और जो सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, पढ़ते रहिए, आपको नौकरी लेने से क्या मतलब है? नौकरी वही लेगा जो ऑब्जेक्टिव को पढ़ेगा, जो एग्जाम में पूछेगा वही ना आप पढ़ेंगे भाई। तो सब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखिए। सब्जेक्टिव आपको कब पढ़ना है? जब आप मेंस रिटर्न एग्जाम देंगे तब, समझे? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, और एग्जाम आपको किस प्रकार क्वालिफाई करना है वो भी आप समझ गए होंगे, और कौन सा बुक लेना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक ना। मैंने दिखा दी, आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा अदर के साथ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और बाय बाय। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, पढ़िए और अपने हक के लिए लड़िए। जय हिंद, जय भारत।